हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सीएस और सीएमए के पेपर होंगे जो अभी अगस्त में होने थे। मेरे स्क्रीन पे आप देखो, सीएस का नोटिफिकेशन भी है। पहले आपके आईसीएसआई ने जुलाई के एग्जाम्स पोस्टपोन किए थे अगस्त में, लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि आईसीएआई का नोटिफिकेशन आ गया है और उन्होंने मई अटेम्प्ट 2020 कैंसिल कर दिया है, यानी कि अब सीए के एग्जाम सीधा नवंबर में होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये डाउट और अराइज हो जाता है कि क्या सीएस और सीएमए के एग्जाम्स होंगे जो कि अगस्त में होने हैं। जहां तक अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखो तो आई डोंट थिंक कि ये एग्जाम्स हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन और वर्स हो रही है, और आईसीआई के नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट बाकी इंस्टीट्यूट्स पर भी पड़ेगा ही। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है, शायद सीएस और सीएमए के एग्जाम्स भी जो अभी होने थे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर अरेंज कैसे होंगे, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह आएंगे जाएंगे कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये अटेम्प्ट होना मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल है, क्योंकि अगस्त में जिनकी डेट दी गई थी, तो हो सकता है सीएस और सीएमए के एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाएं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि स्टडिंग, आप अपना फोकस मत बिगाड़ो, अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन रखो। थोड़ा सा कठिन समय है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, बस सब चीजें हो जाएंगी। इंस्टीट्यूट टाइम बाय टाइम आपको चीजें क्लैरिफाई कर देगा, बट आप अपनी पढ़ाई ऑन रखो। हाँ, अगर जैसे ही आईसीएसआई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, तो मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।